मामा जी के लड़के की शादी है तो हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर। जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था तो उसको लेकर चल रही है तैयारी। इसमें जो है हमारी दोनों मौसी भी आने वाली है। तो मम्मी आ गई सुबह सुबह। और ये रही जी हमारी मौसी। और हम लोग जो है जाने वाले हैं शादी में। एक और मौसी के आने का इंतजार है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे क्रियांश सोया हुआ था, छो के उठ गया। तुमने तो ड्रेस भी चेंज नहीं किया, नाई भी नहीं किया क्रियांश तुम तो। और आज जो क्रियांश सोया है ना, बहुत अलग तरीके से। जैसे बड़े बच्चे नहीं होते कि खाना लेकर के बैठो तो उसको नींद आ जाती है, वही वाली बात थी। क्रियांश के लिए हम खाना लेकर के बैठे, दो चम्मच खाया, तीसरी चम्मच जो मैं से चम्मच से उठा रही हूँ और इसके मुंह में जब डालने जा रही थी तब मैं ये सो रहा था। ऐसे सोया था ना, मुझे तो लग रहा था एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये रियल में सो गया था। अभी इसको इतना समझ कहाँ से होगा कि एक्टिंग भी करना है। पर पूछ ही डेरो मम्मा को पूछ ही डेरो। बाबाइम आज तुम नाई भी नहीं किया, सरस्वती पूजा था। क्रियांश ऐसा एक दिन भी नहीं होता जो ये नहाता नहीं है। जब इसकी तबीयत खराब होती है, वो भी बहुत ज्यादा, तो ये स्नान नहीं करता। भले इसके पापा 5 दिन स्नान ना करें, लेकिन मेरा बेटा डेली करता है। और आज ये बात हो गया था कि क्रियांश सो गया था। और अभी रात हो गया, तो अभी शाम हो गया, रात नहीं हुआ, तो अभी ये नहीं कर सकता है ना। क्रियांशी बाय करो, बाय करो, बाय गाइज, बाय। A few moments later. तो फिलहाल जी देख सकते हैं हमारा रूम है बिखरा हुआ, जिया उसको कर रही है ठीक। हम लोग गए हुए थे इधर कुछ दिनों के लिए ट्रिप। जो भी लोग हमारे ब्लॉग को देखते होंगे कुछ समय पहले से, तो उन्होंने देखा होगा कि पिछले 12 दिन से जो है हम लोग घर से बाहर थे। और जैसे ही आए जी, सारा सामान सब जो है जितना भी पुराना सब था, जिसको धोना था, उन सबको छांटा गया और उन सबको जो है आज धुलने पर लगा दिया गया। और सबको जो है प्रेस भी करवाना है। और प्रेस क्यों करवाना है? क्योंकि हम लोग जी जाने वाले हैं एक और फंक्शन में। जी हाँ, हमारे मामा जी के लड़के की शादी है तो हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर। जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था तो उसको लेकर चल रही है तैयारी। और इसमें जो हमारी दोनों मौसी भी आने वाली है। बड़ी मौसी है वह आ जाएंगी कल, यानी नैन्सी दीदी की मम्मी। और जो छोटी मौसी है वह, अच्छा वो भी कल ही आ जाएंगे। तो दोनों मौसी कल ही आएंगे, उनको पता ही नहीं। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि कल ही 15 है? तो बताया था 15 का टिकट हुआ है। ओके चलो, आज कोई बात है, आपको नहीं पता? अच्छा, डेट हमको ध्यान नहीं रहता है कई बार। अच्छा, तो ऐसी बात है जी। तो वो लोग आएंगी और बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आता है जब मम्मी की जो है दोनों बहनें पास में रहती है और उन लोगों की जो है बातचीत, आपस का गपशप, हंसी मजाक, बहुत मजा आता है आप लोगों को। तो मजा आता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप लोग एंजॉय। फिलहाल जी क्रियांश था छत के ऊपर और क्रियांश को जो है लेकर के आ गए नीचे। और वहाँ जो सो करके जो उठा, उसके बाद जो धमाल मचाया पूछिए मत, पूरा जमीन पर लोटा है एकदम अच्छे से। उसका एक एक कपड़ा चेंज, फिर उसके बाद उसका मालिश, उसको गर्म पानी से जो है धो दिया गया क्योंकि आज नहीं नहाया गया। उसको लेट हो गया क्योंकि 12 बजे ही सो गया था और 3 बजे चल करके उठे वहाँ से। लेट हो गया तो अभी ठंड का सीजन है, तो सही नहीं लगता है कि समय 3 बजे उसको नहाया जाए। तो उसके बाद जो है गर्म पानी से उसका शरीर पोंछ के तेल लगा दिए, एकदम फिट कपड़ा पहना के नीचे पहुँचा दिए। बिल्कुल जी, तब अपना नीचे गया हुआ दादा दादी के पास खेल रहा है। तो फिलहाल आए हुए हैं जी मार्केट, जिया को कुछ काम था कपड़ा सिलवाने का, तो वहाँ तो अपना कपड़ा सब दे दिए। और फिलहाल हम लोग हैं एक दुकान पर जहाँ से कुछ नाश्ता सब पैक करवा रहे हैं। तो मम्मी और पापा दोनों को जो है यह मुरही वाला जो नाश्ता होता है शाम का, बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो 4 लोगों के लिए पैक करवा के लिए चलते हैं। The next day. खुला हुआ ही है मम्मी, खुला हुआ है। फिर तो लाइट नहीं है शायद। तो मम्मी आ गई सुबह सुबह। तुम पहले आ गए, हम पीछे से आ गए। उनके हस्बैंड जो है मेरे जेठ भी है। हाँ, हाँ। मेरे जीजा जी भी। हाँ। तो लोग आ गए, सबका स्वागत है। अपार हर्ष व्यक्त करना चाहती हूँ। हाँ। जो कि हम लोग शादी में जा रहे हैं। हाँ। और बार बार मैं इसी बात को दोहरा रही हूँ कि इतनी खुशी है कि हर पल मुझे व्यक्त करना पड़ता है। अब जेठ का भी फिर सवाल कर तो क्या बोले मम्मी? जेठ कहने का फिर क्वेश्चन क्वेश्चन होगा। और शाम तक मैं आंटी भी आ जाएगी। कैसे हुआ, क्यों हुआ? अभी सो के उठाए, जबरदस्ती उठाए, उठो। बहुत पीड़ा भला ट्रेन में। क्या हुआ पता नहीं, दर्द इतना शरीर पूरा पे। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 11 और क्रियांश का जो है खाना पीना हो चुका है और अब हम भी चलेंगे नहाने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हमारी मौसी आने वाली है, तो हमारी एक मौसी आ चुकी है। तो चलिए नीचे आपको मिलवाते हैं। चलो नीचे क्रियांश, चलो चले।
दादी से मिल ले, बस ये तो मिल ही चुका है, आप लोगों को मिलवाते हैं। हाँ, तो क्रियांश आ गया है और आते ही अपने बाबा का मोबाइल जो है ले लिया है और इधर उधर घूम रहा है। और ये रही जी हमारी मौसी, जिसको आप लगातार वीडियो में देख ही रहे हैं। और हम लोग जो है जाने वाले हैं शादी में, एक और मौसी के आने का इंतजार है। आंटी कब तक आएगी? अभी 11 बजे तो जानकी 4 बजे तक आ जाएगी। 4 बजे तक आएगी, ठीक है। मौसी मेरी छोटी बहन ना, हाँ जानकी में है। तो जानकी एक्सप्रेस जो है शाम 4 बजे तक आएगी और जो गाड़ी है वो भी धुला हुआ नहीं है, बहुत गंदा है, उसको जाके धुल लेते हैं। अब मोलू की यहाँ है या वॉशिंग वाला मशीन? तीनों बहुत पील के जाएंगे। भाई जी का तबियत खराब हो गया इसलिए नहीं हुआ पा रहे हैं। चारों भाई बन रहते अपने पिताजी का। हम लोग तीन बहन, एकलौता भाई, 4 संतान है। चारों मिल के पिताजी के ननिहाल में हम लोग शादी में जाते एंजॉय करने। अच्छा, लेकिन मेरा भाई का तबियत गड़बड़ हो गया है। फिर कोई बात नहीं, कोई भी जा रहे थे बिंदेश्वरी ठाकुर पिताजी हैं, उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। चलिए जी, बढ़िया है। और फिलहाल जो है अपना क्रियांश महाशय जो है लग गया है उधर अपने बदमाशी में। अभी खाया ये ढंग से ही खाया ये। जैसे मैं इंतजार कर रही हूँ वहाँ जाने का, मुझे लगता है कि वहाँ के सारे लोग भी मेरा इंतजार करते होंगे कि मैं वहाँ के, मेरी दादी का मायके है वहाँ और मेरी दादी का नाम जया है। अच्छा, तो जया की पोती के रूप में हमारा परिचय होगा। अच्छा, हमारे पिताजी के जितने भी मेरे भाई हैं सभी लोग हमसे मिलेंगे। बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद और अपने हम उम्र को सहयोग। क्या कर रहा है तुम? देख लगता थक गया ये। तब से भाग ही न रहा है। एकरा तोड़ दिल के देखी ना, ये हमारा टूट गया है। देखे देखे ये की बसते हो, क्यों तोड़ा इसको तू, क्यों तोड़ा? अच्छा, नंबर प्लेट के देखे नहीं थे, कर दल के हाँ जी आतंक करने चाहिए कर वह करना। क्रिया सुनो इसको, बदमाश चल चल चल, यहाँ पर ये ले गए नल जल वाला। हाँ, ये गाँव सब में रहे थे तो शहरों में अब से पूरा पाइपलाइन ऐसी के चलते नहीं खोदा था पूरा, वो रोड जो खोदा था वो। तो गाड़ी को जी थोड़ा सा तो झाड़ दिया है इसका डस्ट सब, लेकिन इसको जो प्रॉपर पानी से धोना पड़ेगा, बहुत दिनों से वॉश भी नहीं हुआ है, तो इसको चलते हैं, चल कर धुल लेते हैं। पापा भी जो है कोर्ट चलेंगे, तो पापा को भी कोर्ट छोड़ देंगे और कोर्ट छोड़ते हुए ही उधर निकल जाएंगे और उसी साइड जो है जिया की बुआ का घर है तो वहीं चलेंगे। और वहीं पर हमारे साले साहब इंतजार भी कर रहे हैं कि जीजा जी आइए, तो चलते हैं। क्रियांश को देखते थे, क्रियांश शक्ल दिखा अपना, क्रियांश शक्ल दिखा। तो ये जा रहे हैं गाड़ी धुलवाने के लिए क्योंकि हम लोगों को कल शादी में जाना है, तो क्रियांश नीचे से झांक रहा है। देखिए चलो 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 रहने, हाँ हो गया, वो गर रहा है तो फैलाना है कल वाला कपड़ा सारा। हाँ माँ बॉल फेंक दिया बाहर, कैसे देख रहा है कहा जा रहा है, वापस आओ, गेट खुला, मम्मी भाग गया। तो जैसे गेट खुला ये लोग चले गए और गेट खुला हुआ ही था, अपना बॉल फेंक दिया, माँ जैसे गई बॉल लेने, ये भाग गया और अभी तक नहीं आया, देखते कब आता है। आ गया क्रियांश, सुधीर तो सुधीर जी के दुकान से आ गया था। अभी माँ दौड़ के बैकवर्ड गोद में उठा के ला है, लेकिन ये एकदम अनवरत आगे भाग रहा है। कहाँ जाता है लड़का, मुंह दिखा पड़ो, गाड़ी के पीछे देखिए मुंह दिखे, बगल में बाबा का दुकान है, ये देखो हाथ गर्म, बगल में बाबा का भी तो दुकान है। हाँ, थोड़ा स्टॉपेज वहाँ है, एक तो स्टॉपेज वहाँ लेता है बाबा की। चलो ऊपर चलो, जब हम पूरा लगाया अपने सर में नहीं लगाया, हाथ देखिए हाथ कहाँ से वहाँ लगाया, ये सब अम्मा ये सब कहाँ से लगाया है? अच्छा, छी छी राम राम। ए चलो लाइन जो लाइन
कुछ भी पहचानता है। देखिए कौन सा लाइट किससे जलेगा सब पता है इसको। सब पता है कौन बॉल कौन से जलेगा। वाह 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 वा। वो वाला लाइट खराब हो गया है, दूसरा जलाओ। पहले इसको तैयार करो। हाँ चले चलो चलो। तो फाइनली पकड़ में आ गया है ग्रियाज। और इसकी होगी मालिश। मालिश होगी नाई नाई करेगा, नाई नाई करेगा। और इसके बाद डुडुबी का छोड़ रहा है, ठीक है। तो मम्मा काम करेगी, समझा समझा कि नहीं तू समझा कि नहीं तू समझा कि नहीं समझा कि नहीं। हंसी आ रही है डोमा, हंसी आ रही है तो हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। अच्छा टमी कहाँ है, टमी टमी दिखा दो, टमी कहाँ है आपका, टमी कहाँ है, टमी कहाँ दिखा दो छोको। नहीं नहीं दिखाएगा इसको, टमी में बहुत गुदगुदी लगता है। तो ये जैसे टमी बोलते हैं ना, ये इसको बहुत हंसी आती है। टमी कहाँ, टमी दिखा दो, टमी कहाँ, टमी 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 टमी।